ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ललित मुकाती आपके साथ। आज एक समस्या जो आपके सामने साझा करना चाह रहे हैं, नगर इछावर से जुड़ी हुई। जी हाँ, दृश्य के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये दृश्य इछावर स्थित विद्युत केंद्र यानी MBEB ऑफिस का है, जहाँ से नगर में अलग अलग जगहों पर ग्रामीण अंचलों में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत की सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नगर में इस भीषण गर्मी के पड़ते हुए लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि हाँ, हमें लाइट मिले और हम सुकून से इस भीषण गर्मी में सो सकें। आमतौर पर बड़े व्यक्ति, बड़े लोग आसानी से लाइट जाने पर घूम फिर सकते हैं, लेकिन सवाल आकर रुकता है बच्चों पर। जी हाँ, हमने देखा कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में लगभग 8-8 घंटे लाइट की कटौती हो रही है, और वो भी रात्रि के समय। जब इस मसले पर हमने जूनियर इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि रात्रि में लाइट जाते वक्त घंटों तक लाइट नहीं जाती और लोगों को भीषण गर्मी का समस्या करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर विद्युत की सप्लाई उनको मिलती तो उनको दिक्कत नहीं आती। बट सवाल यह है कि रात्रि के समय 12 बजे के बाद यदि लाइट चली गई है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि विद्युत धारा वापस आपके घर आए, लाइट वापस आपके घर आए। आपको इस भीषण गर्मी में समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। बीते दिवस भी ऐसी कुछ घटना हुई कि रात्रि 1 बजे लाइट चली गई और सुबह 9 बजे लाइट आई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। रात के समय जब 3 बजे ICN की टीम विद्युत विभाग पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ मिला, और जब हमने अंदर ऑफिस में प्रवेश किया तो देखा कि सिर्फ एक ऑपरेटर वहां पर ड्यूटी पर है, और वो भी रात्रि के समय नींद फरमा रहा है। बट नियम ये है कि उन्हें जागना चाहिए, लोगों की कंप्लेंट लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट नहीं है इसलिए आप सो सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि रात्रि में अगर लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है जो समस्या का समाधान कर सके। मसलन आपको रात्रि में बिजली जाने पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जब ICN की टीम वहाँ पर पहुँची, जूनियर इंजीनियर से संपर्क किया तो उन्होंने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि ICN की टीम रात को 3 बजे के लगभग बीते दिवस MBEB ऑफिस इछावर में पहुंची, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी इस तरीके से लाइट जा चुकी है रातों में, कई जगह के फेस चले जाते हैं, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है इछावर में, तो फिर हमारा क्षेत्र विकास करेगा तो कैसे करेगा? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि लोड नहीं संभाल पा रहा है, ऐसे ट्रांसफार्मर हमारे क्षेत्रों में लगे हुए हैं और उससे कहीं ज़्यादा विद्युत का प्रदेह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आम जन को जूझना पड़ रहा है। हाँ, बड़े बड़े लोग अपने घर में इन्वर्टर का और जनरेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अपने घर में जनरेटर इन्वर्टर नहीं लगा सकता, उसकी पहुँच से बाहर है। इस समस्या का क्या किया जाए, ये आप लोगों पर छोड़ दिया जाता है। दरअसल हमने देखा कि समस्या से लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, इसलिए ICN ने मुहिम स्टार्ट की है कि लोगों को कम से कम इस समस्या के बारे में बताया जाए। और हमारी विद्युत मंडल इछावर से भी अपील है कि कम से कम रात्रि इमरजेंसी कंडीशन में कम से कम आप लोगों को 2 से 4 लोगों का स्टाफ मौजूद रखना चाहिए, जिससे समस्या का हल हो सके। लेकिन बिजली कटौती की रात्रिकालीन समस्या से आमजन को कोई निजात नहीं मिल रही है। मसलन सभी को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ICN न्यूज। तो कौन भरेगा भैया पानी, ये बताइए मुझे। आप लाइट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आज नहीं शनिवार को भी यही हुआ था। अच्छा मुझे बताइए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या लाइट जाएगी उसके लिए? आप बताइए, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइट जाएगी तो मैं हूँ कि आप हूँ? नहीं तो फिर रात के लिए क्या है, आप ये बता दिए। रात में अवेलेबिलिटी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, रात को 12 बजे के बाद इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो कब तक भेजोगे भाई, गर्मी निकल जाएगी। यहाँ तो व्यक्ति जूझ रहा है ना परेशानी से यार। नहीं तो आप बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप तो मुझे ये रिटर्न में दे दीजिए कि आधिकारिक रूप से मुझे बाइट देने का कोई रोल नहीं है, या फिर ऑन माइक दे दीजिए। देखो हमारा काम है लोगों के सामने सच्चाई पहुंचाना, लोग चिढ़े हुए हैं आपसे।
सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।